स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स, उसमें था जावा इनपुट आउटपुट, इसमें स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, स्ट्रिंग क्लास क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, डेटा कन्वर्जन कैसे करते हैं हम यूजिंग वैल्यू ऑफ मेथड, एक ये मेथड है वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग बफर क्लास और मेथड्स। तो सबसे पहले जावा स्ट्रिंग, जावा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट, सिंपल है। स्ट्रिंग क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को टेक्स्ट ही बोलेंगे। अ स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोट, अब कोई भी चीज़ स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो उसको डबल कोट में लेते हैं, अगर कैर होगा तो सिंगल कोट में। स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है जो लेंथ उसका स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है, उसके लिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आपने बना दिया स्ट्रिंग txt टेक्स्ट, डबल कोटेशन में यहाँ पे सारा कुछ एंटर कर दिया, अब हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन जो भी प्रिंट, अब ये मैसेज ना भी लिखो ठीक है तो चलेगा, अब डायरेक्ट लिख देंगे हमें txt क्या है हमारा, ये वेरिएबल txt डॉट, और इसी वेरिएबल के आगे एक फंक्शन लगा देंगे लेंथ, मतलब स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का नाम और लेंथ, और ये लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अब इसी स्ट्रिंग पे और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, अगर हमें जैसे वर्ड में आप क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ लोअर केस में है तो उसको अपर केस कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो, सेंटेंस केस कर सकते हो ना, तो उसमें तो कोई फंक्शन यूज हो रहा है ना, ताकि उस बटन पे क्लिक करो और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाए। उसी तरीके से जावा में फंक्शन हैं टू अपर केस टू लोअर केस, अपर को लोअर बनाना तो ये फंक्शन लगाएंगे टू अपर केस, और अपर को लोअर को अपर बनाना तो टू अपर केस, और अगर अपर को लोअर बनाना टू लोअर केस। अब स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास देर आर मैनी कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइडेड इन जावा टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम कैसे बनाएंगे, जावा में जो कुछ कंस्ट्रक्टर हैं उसका यूज करके। स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर एग्जामिनिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, नंबर जो स्ट्रिंग लेंथ से हमने किया, कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का लेंथ सेम है कि नहीं है, दो अगर स्ट्रिंग है सर्च कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग उसमें है कि नहीं, स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर है कि नहीं कोई पर्टिकुलर, और एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग, उसे सब स्ट्रिंग बना सकते हैं और कॉपी भी कर सकते, कॉपी बना सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, और लोअर टू अपर भी कर सकते हैं ठीक है। तो जावा लैंग्वेज ऑल्सो प्रोवाइड्स स्पेशल सपोर्ट फॉर द स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर, मतलब दो स्ट्रिंग है ए और बी, दोनों के एक टेक्स्ट को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर होता है कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर, उससे आप मर्ज कर सकते हैं। एक हमारा फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन, जिसका यूज करके हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी कैरेक्टर सीक्वेंस को। उसी तरीके से दूसरा है स्ट्रिंग फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर भी स्ट्रिंग टाइप का है, जिसका यूज करेंगे हम टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज द आर्ग्यूमेंट, इन अदर वर्ड्स द न्यूली क्रिएटेड स्ट्रिंग इज कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग पास एज एन आर्ग्यूमेंट। एक है जिसमें स्ट्रिंग फंक्शन में जो पैरामीटर है वो कैरेक्टर टाइप का है, मतलब एरे है ठीक है, एरे है, और एरे क्या है, एरे में जो वैल्यूज होंगे वो कैरेक्टर टाइप के होंगे। इसका क्या यूज करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स करेंटली कंटेंड इन द कैरेक्टर एरे आर्ग्यूमेंट। उसी तरीके से एक और है स्ट्रिंग, इसमें भी इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स, पहला ये एरे है कैरेक्टर टाइप का, दूसरा है एक इंट टाइप का, तीसरा भी इंट टाइप का, तीन पैरामीटर्स है। तो ये क्या करेगा, अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कंटेंस कैरेक्टर्स फ्रॉम अ सब एरे ऑफ द कैरेक्टर एरे आर्ग्यूमेंट।
इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इतना यूज़ होता नहीं है, अगर यूज़ होगा तो रिसोर्सेज बहुत है इंटरनेट पे, वहाँ से आप देख के यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कॉनकैटेनेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। कॉनकैटेनेशन मतलब होता है कि दो चीज़ों को जोड़ना, कॉनकैटनेट करना। एक स्ट्रिंग हमने बनाया फर्स्ट नेम जॉन, एक स्ट्रिंग बनाया लास्ट नेम जिसमें लिखा डो। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, दोनों ना फर्स्ट एंड लास्ट नेम को। तो कैसे करेंगे जावा में, इसमें सीधा कर देंगे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ये बीच में ये क्यों दिया हुआ है, एक स्पेस आ जाएगा इसलिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ प्लस का साइन लगा के दो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव क्या है, एक फंक्शन होता है कॉन्केटनेट, कॉन्केट, ठीक है। कॉन्केट के थ्रू भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, फर्स्ट नेम डॉट, फर्स्ट नेम एज इट इज रहेगा, कॉन्केटनेट लास्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम में लास्ट नेम को जोड़ दिया जाए। ये हो गया कॉन्केटनेशन।